अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनुल आबिदीन फ्राम एजेड मार्केटिंग जकी रियल स्टेट DHA2 इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, आज मैं आपको लिली के सेक्टर के बारे में बताऊंगा। लिली सेक्टर के भी दो इंटरेस्ट हैं, एक रवाद कलर से इधर रोड से और एक इंटरेस्ट इसकी DHA इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की तरफ से। इसको जो इंटरेस्ट सूट करती है, नज़दीक लगती है, वो रवाद कलर सईदा रोड वाली है। लिली सेक्टर में 5 मरला 8 मरला रेजिडेंशियल प्लाट हैं, 4 मरला 8 मरला कमर्शियल की कटिंग है और 5 मरला 8 मरला DHA होम्स भी हैं, जिसमें लोग तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 5-6 साल से रह रहे हैं। DHA होम्स जो हैं इनमें तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, पोजेशन मिल गई है और काफ़ी सारी फैमिलीज उधर रह रही हैं। होम्स की हम अगर पहले बात कर लें तो लिली के सेक्टर ए में 5 मरला 8 मरला होम्स हैं, सेक्टर बी में भी 5 मरला 8 मरला होम्स हैं, सेक्टर ई में सिर्फ 5 मरला के घर हैं और सेक्टर डी में भी सिर्फ 5 मरला के घर हैं और उसके बाद सेक्टर सी आता है, उसके भी सिर्फ 5 मरला के घर हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट DHA ने खुद बना के बेचा था, इसकी बुकिंग हुई थी DHA होम्स, ये प्रोजेक्ट DHA ने खुद बना के हैंड ओवर किया है। इसकी जो 8 मरला की DHA होम्स की बुकिंग हुई थी वो 40 लाख समथिंग पे हुई थी और जो 5 मरला की बुकिंग हुई थी वो 20 लाख समथिंग पे हुई थी। होम्स के नज़दीक आपको मार्केट मिल जाती है, उसके बाद बैंक मिल जाते हैं और सेक्टर डी के सामने एक APS स्कूल भी बन चुका है। इसके बाद हम इनके रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में बात करते हैं। इसका जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% 60% डेवलप है। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, रोड कारपेटेड हैं, सीवरेज डला हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन ओके हैं। वाटर टैंक रह चुका है इसमें जो भी बनने हैं, बाकी तकरीबन लिली सेक्टर तैयार हो चुका है। लिली ब्लॉक में तकरीबन 2nd बैलेट से लेके 6th बैलेट तक प्लॉट मौजूद हैं। उसके बाद जो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल हैं वो भी काफ़ी सारे डेवलपर, बहुत सारों को तो कंस्ट्रक्शन लेटर भी मिल चुके हैं, पोजेशन लेटर भी मिल चुके हैं जिसपे आप भी कमर्शियल बना सकते हैं। इसके हम DHA होम्स के रेट के बारे में बात करें तो DHA होम्स के जो इस टाइम रेट चल रहे हैं वो 5 मरला के 65 से लेके 75 के इन बिटवीन और जो 8 मरला के रेट चल रहे हैं वो 140 से लेके 150 के इन बिटवीन चल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में बात करें तो 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट 21-22 लाख रुपए से लेके तकरीबन 27-28 लाख रुपए तक चल रहे हैं। और अगर हम 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में बात करें, 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट तकरीबन 30 लाख रुपए से लेके 38-40 लाख रुपए तक चल रहे हैं। उसके बाद हम इसके कमर्शियल के बारे में बात करते हैं। कमर्शियल का रेट जो है वो 4 मरला का तकरीबन स्टार्ट होता है, 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक भी हैं कमर्शियल इसमें 4 मरला, और 8 मरला जो है 140 से लेके 210-220 वाले भी कमर्शियल लिली ब्लॉक में मौजूद हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रबता करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।